हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने का अवसर मिला है। 150 साल पूर्व समाज व्यवस्था कैसी रही होगी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बीच इस देश का जन मन कितना निराशा की बुरी अवस्था में डूबा हुआ होगा, दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे समय बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। आज 150 साल उस घटना को पूरे हो रहे हैं। सिर्फ 40 साल का जीवन काल आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ 40 साल का जीवन काल, और उतने समय में भी आज 150 साल के बाद भी हर नौजवान को वो आत्मा प्रेरणा दे रही है। वो व्यक्तित्व कैसा होगा, कैसा सामर्थ्य होगा उनके भीतर। आज भी हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, जींस की पतलून पहनता हो, लंबे गुंगराले बाल हो, फैशन में डूबा हुआ हो, आधुनिक होने का गर्व होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उसको स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के पास या उसकी छवि के पास जाने का अवसर मिले, तुरंत उसका सर झुक जाता है। यही इस देश की सही शक्ति है, यही तो इस देश की ताकत है। और हम 150 साल के इस अवसर को, उस भक्ति को, उस शक्ति को राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। सरकार यह कार्यक्रम क्यों मनाना चाहती है, हम विवेकानंद जी के 150 साल क्यों मनाने जा रहे हैं? भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी हम लोगों के लिए कुछ काम छोड़ के गए हैं, कुछ कर्तव्य हमारे जिम्मे छोड़ करके गए हैं। एक शताब्दी से अधिक समय हुआ उनके जाने का, लेकिन अभी भी वो काम अधूरा है। निर्णय हमें करना है कि क्या हमारे रहते हुए स्वामी विवेकानंद जी के वो सपने अधूरे रह जाए। दोस्तों, हम लोगों के रहते हुए स्वामी विवेकानंद के सपने अधूरे रहने चाहिए? वो सपने कौन पूरे करेगा? और इसी सपनों को पूरा करने का संकल्प करने के लिए ये 150वें वर्ष पर हमने युवा वर्ष मनाने का संकल्प किया है। साल भर हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। हर पल स्वामी जी का स्मरण करते हुए मां भारती के कल्याण के लिए
हम जहां हो जिस अवस्था में हो कुछ न कुछ करें। इस संकल्पता को बढ़ाने के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर को हमने चुना है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी बार बार कहते हैं कि भारत में स्पिरिचुअलिज्म की जितनी ताकत बढ़ेगी यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। भारत की आत्मी से, भारत की आत्मिक शक्ति, भारत का आत्मा अध्यात्म है। उस अध्यात्म की प्रेरणा इन ऋषियों से, मुनियों से, वेद से विवेकानंद तक जो कुछ भी हमारे सामने उपलब्ध है उसी से प्राप्त होता है। हम उसको अवसर के रूप में लें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब लोग निराशा में डूबे थे, अंधविश्वास था, अस्पृश्यता, जातिवाद, इसका जहर फैला हुआ था, राजे रजवाड़े मार काट में लगे हुए थे, ऐसे समय उस अंधकार के काल में भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता फिर एक बार जागृत हो गई है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजित होने वाली है। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं कि फिर एक बार पूरी मानव जात का कल्याण का काम यही मेरी भारत माता करने वाली है। ये विवेकानंद जी ने उस समय कहे हुए शब्द थे। आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत मां के जागृत रूप को देखा था उस जागृत रूप को पूरा परिपूर्ण करने का दायित्व इस पीढ़ी के नौजवानों का है, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का है। भाई बहनों, हम भाग्यवान हैं, हम दुनिया के सबसे युवा देश है, हम दुनिया के सबसे युवा देश है। 65% से अधिक लोग इस देश में 35 साल से कम उम्र के हैं। कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। और आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 24 करोड़ नए युवकों की संख्या जुड़ने वाली है। और दूसरी तरफ चीन में सिर्फ 2 करोड़ युवक बढ़ने वाले हैं और ब्राजील जैसे देश में सिर्फ 1 करोड़ बढ़ने वाले हैं। भारत की युवा शक्ति में आने वाले 20 वर्ष में 24 करोड़ युवकों का इजाफा होने वाला है। अगर ये हमारी युवा शक्ति है तो इस युवा शक्ति के भरोसे हम भारत के भाग्य को बदलने के लिए इस अवसर को चुने और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से बढ़कर के कोई और अवसर नहीं हो सकता जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दे। मित्रों, हर इंसान के मन में ईश्वर की प्राप्ति रहती है। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय अपने ध्येय के, तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए, एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे तो जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो, ये विवेकानंद जी कहा करते थे। भाइयों बहनों, हम भी क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आहूत नहीं कर सकते हैं?
अगर हम सब मिलकर के भारत मां को जगत गुरु बनाने का सपना देकर के निकले और करोड़ों देशवासी अपने सपनों को आहूत कर दें, मित्रों किसी की ताकत नहीं है कि हमें देश विश्व के जगत गुरु बनाने से रोक सकता है। मित्रों छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही ऊंचे लक्ष्य रख करके चलने वाले लोग ही दुनिया में कुछ करके जाते हैं, दुनिया में बदल करके ला करके रहते हैं और दुनिया में परिवर्तन अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और स्फूर्ति का प्रयास अगर हम करें, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था। एक नौजवान जिसके मन में इच्छा जगती है ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा के दर्शन के लिए, जो मिले जहां मिले हर किसी को नरेंद्र पूछता रहता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी संत मिले, महात्मा मिले, आंख से आंख मिला करके नरेंद्र पूछता रहता था, क्या आपने मुझे जैसे देखते हो वैसे ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? ईश्वर को देखने की इतनी ललक थी, इतनी तड़प थी, इतना पागलपन था। जो मिले जहां मिले एक ही सवाल उठता था, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे कि कोई तो मुझे दिखाओ ईश्वर है कहां, और ईश्वर के प्रति आशंकात भी कर लेते थे, इतना भीतर से तूफान उड़ा था। पागलपन सवार हो गया था ईश्वर को देखना है। और जब श्री श्री ठाकुर मिल गए, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उन्होंने कहा हां, जैसे मेरी आंखों से मैं तुम्हें देखता हूं वैसे ही मैं ईश्वर को देखता हूं। और चटाक से विवेकानंद के आशंकित मन ने कह दिया, तुम जो कहते हो बाबा ठीक है, क्या मुझे दिखा सकते हो ठाकुर? विवेकानंद ने सवाल पूछ लिया और श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने जी हां बोले, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, मां काली को मैं तुम्हारे सामने वैसे ही दिखा सकता हूं। मित्रों सब प्रकार की तड़प थी, सालों तक की तड़प थी, नौकरी छोड़ी, मां छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके वे इस काम के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जब मौका आया, ईश्वर प्राप्ति का अवसर मिल गया, काली के दर्शन हो गए, काली से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और उस पल ये भारत का भाग्य देखिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा था उस परमात्मा को भी छोड़ दिया। ये बहुत कम लोग सोच सकते हैं मित्रों। उन्होंने कहा ठीक है, हो गए दर्शन, अब मैं राष्ट्र के लिए कुछ अपने आप को लगा दूंगा, मेरी उपासना कहीं और है। मित्रों हिंदुस्तान के अंदर धर्म का इतना महात्म्य होने के बाद भी 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जीवन का अंतकाल था और अंतकाल में कहा था कि मेरे देशवासियों, आप बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो, ईश्वर के पीछे पागल हो, सुबह शाम आरती धूप माला जपते रहते हो, समय की मांग है। देखिए जो इंसान अपनी यवानी जवानी भगवान को पाने के लिए पागल की तरह खपा चुका था, 1902-3 के कालखंड में जीवन के अंतकाल में पहुंचते समय दुनिया को कहता है, हिंदुस्तान को कहता है कि तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम जो ईश्वर के पीछे पागल बैठे हो, इन सारे के सारे भगवान को पानी में डुबो दो। आप कल्पना कर सकते हो, जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा था ईश्वर को पाने के लिए, वो संसार छोड़ने से पहले कहता है कि तुम अपने सारे ईश्वरों को पानी में डुबो दो। और समय की मांग है,
एक मात्र आराध्य देव हो तुम्हारा, एक ही तुम्हारी माता हो, एक ही तुम्हारा ईश्वर हो, एक ही तुम्हारी शक्तिपीठ हो, और वो हो मां भारती। तुम भारत मां की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। एक 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है कि तुम डुबो दो अपने ईश्वर को। मां भारती की सेवा करो, एक ही तुम्हारा आराध्य हो। भाइयों बहनों, अगर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की इन बात को स्वीकार कर लिया होता, 100 करोड़ के देशवासी मां भारती के लिए अपने आप को खपा देते, तो आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में हम होते, दुनिया के सबसे सर्वोपरि देश में हम होते। क्या हम विवेकानंद के उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते? हम तय करें दोस्तों, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, आध्यात्मिक चेतना प्रगटाई थी, उनसे कुछ हम भी तो सीख सकते हैं। मित्रों, वो समय था ऊंच नीच जातिवाद का जहर, स्पृश्य अस्पृश्य, किस प्रकार के हालत में जिंदगी गुजारी जाती थी, ये हिंदू समाज की विशेषता रही है कि हिंदू समाज के भीतर जब जब दोष पैदा हुए हैं, उसी की कोख से कोई न कोई सुधार पैदा हुआ है, ये इसकी विशेषता है। और हम हजारों साल के हमारा लंबा आयुष है, उसका कारण भी यही है कि अगर बुराइयां आई तो हमारी बुराइयों को खत्म करने वाला भी हमारे भीतर पैदा होता है। अगर अस्पृश्यता आई तो ये नरसिंह मेहता पैदा हो जाता है, 400 साल पहले अस्पृश्यता के खिलाफ जंग खेलता है, और वो भी एक ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, और वो भी नागर ब्राह्मण में। यही तो इस देश की विशेषता थी। अंधश्रद्धा में लोग डूबने लग जाते हैं, पत्थर जहां मिले वहां पूजने लग जाते हैं, तो कोई स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा होता है और हिम्मत के साथ मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ताकि दुनिया को बदलना चाहता था। कितना बड़ा सामर्थ्य था स्वामी विवेकानंद ने, समाज के उस प्रवाह के खिलाफ आवाज उठाई, अस्पृश्यता के खिलाफ जंग छेड़ दिया, हिंदू समाज की कटु आलोचना की, जाति व्यवस्था के आकर हिंदू समाज जिस प्रकार से टूटता फूटता जा रहा था, उसके प्रति अपना रोष व्यक्त किया। और विवेकानंद ने तो यहां तक कह दिया, इतना उत्तम विरासत के हम धनी, इतनी महान सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है कि हम कहां जाके खड़े हैं। हमने हमारे रिलीजन को, हमारी परंपराओं को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को किचन में बंद कर दिया है। कब क्या खाना, इसी में हम लगे पड़े हैं। एकादशी को क्या खाना और पूर्णिमा को क्या नहीं खाना, ये हमने हमारे आध्यात्मिक विरासत को हमने ही अपने चोट पहुंचाई है। मित्रों, ये कहने का सामर्थ्य स्वामी विवेकानंद में था। वे रिफॉर्मिस्ट थे, ये परिवर्तन के पक्षकार रहे हैं। जब वो भारत भ्रमण के लिए चले, सोमनाथ की धरती पर आए थे, कन्याकुमारी दुनिया के सामने जानी बुझी बात है क्योंकि वहां एक स्मारक बना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि विवेकानंद जी को आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति सोमनाथ के समुद्र किनारे पर पहले हुई थी। वो भारत भ्रमण करने के लिए निकले, पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा समय वो गुजरात में रहे थे, सबसे ज्यादा समय स्वामी विवेकानंद गुजरात में रहे थे। वे क्रांत दृष्टा थे, जब अजमेर में गए थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा को उन्होंने वहां बुलाया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा जिसने इंडिया हाउस बना करके अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध की तैयारी की थी, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने बुलाया था। जब भावनगर के पास सीहोर में आए थे तो नाना साहब के साथ
स्वामी विवेकानंद जी की मीटिंग हुई थी और आजादी के आंदोलन को क्या रूप देना चाहिए ये उन्होंने सीहोर के अंदर नाना साहब पेशवा के साथ चर्चाएं की थी। विन्नड़ियाद आए थे मणिशंकर नभुभाई द्विवेदी उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके साथ उन्होंने वेदांत की चर्चा की थी। वो पोरबंदर गए, रुके वहां और उस समय के प्रसिद्ध शास्त्र के भट्ट जी थे, उनके पास उन्होंने शास्त्र सीखने का प्रयास किया था। गुजरात के साथ विवेकानंद जी का एक विशेष नाता रहा था। हमारी मिट्टी पवित्र हुई है, यहां जो प्रदर्शन लगी है आप उस प्रदर्शन में जाओगे तो देखोगे कि गुजरात में विवेकानंद जी ने कहां कहां भ्रमण किया था और कब कब किया था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम इस मिट्टी के अंदर हम भी पले बड़े हैं, हमारा ये सौभाग्य है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी चरण रज पड़े थे और ये हमारे जीवन का भाग्य होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की सेवा की बात कही थी। अगर कोई दरिद्री है उसको वो परमात्मा का रूप मानते थे और जनसेवा यही प्रभु सेवा, ये जो हम मंत्र हम बोलते हैं वो दरिद्र नारायण की उपासना स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को प्रेरित किया था। हिंदुस्तान की नारी शक्ति का जय जयकार सारे विश्व में करने वाले वो महापुरुष थे और भारत में नारी शक्ति की शिक्षा, नारी शक्ति को एम्पावर करना, आज जिन विषयों की चर्चा 21वीं सदी में विमेन एम्पावर की चर्चा हो रही है, अगर विवेकानंद जी को हम पढ़ेंगे तो 19वीं शताब्दी में इन विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन करके देखा था, विस्तृत रूप से दुनिया का मार्गदर्शन किया था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और वो कहते थे मानव जात के कल्याण के लिए नारी शक्ति का जागरण ये प्राथमिक आवश्यकता है, ये उनकी सोच रही थी। दरिद्री हो, नौजवान हो, नारी हो, किसान हो, गांव हो, गरीब हो, आजादी के जन के सेनापति हो, सेनानी हो, जीवन के हर क्षेत्र में सदा पल लोगों को प्रेरित करना ये उनका मार्ग रहा था। वो शिकागो गए, शिकागो गए वो भी प्रेरणा किसने दी, जब वो जूनागढ़ से जा रहे थे ट्रेन में जेतपुर के पास वो उतरे तो जेतपुर के एक स्टेशन मास्टर ने उनको कहा कि इस प्रकार की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने उसमें जाना चाहिए। जेतपुर जैसे एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा मुलाजिम ये स्वामी विवेकानंद को कहता है कि आपने वहां जाना चाहिए, या किंचन सन्यासी क्या कैसे जा सकता है। लेकिन वो गए और दुनिया को चकाचौंध कर दिया। 9/11 हम लोग 9/11 को एक कारण से जानते हैं, क्योंकि 9/11 को अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था, ट्विन टावर को तोड़ दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 16 साल पहले एक और 9/11 हुई थी जो 11 सितंबर को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ था और पूरे विश्व को भाईचारे से उन्होंने अपने आप में बांध दिया था। दो सांस्कृतिक विरासतों में कितना बड़ा अंतर होता है, जिसको सुसंस्कृत लोग कहते हैं उसका प्रतिनिधि 11 सितंबर को अमेरिका के भूमि पर जाकर के वाक्य बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और पूरी दुनिया उस व्यक्ति के एक एक शब्द को पकड़ने के लिए पागल हो जाती है। सदी के बाद उसी 11 सितंबर को आक्रांता उसी अमेरिका की भूमि पर हमला बोल देते हैं। इस संस्कृति की विरासत की विशेषता देखिए कि जहां भाई बहन, पूरा विश्व हमारा है, ब्रह्मांड हमारा है, ये कल्पना है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के अभ्यासी थे, वो लोगों को सवाल करते थे, वेदांत में कहते थे अद्वैत की चर्चा करते थे। वो कहते तुम बताते तो अद्वैत की बात करते हो लेकिन व्यवहार में तो द्वैत के सिवाय कुछ नहीं है। जहां द्वैत नहीं होता है वहीं तो अद्वैत होता है।
जहां मैं और तुम अलग नहीं है वहीं तो अद्वैत होता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु कहते हो और तुम अपनों को ही पराये मानते हो। कहां गया तुम्हारा वो अद्वैत का सिद्धांत? जिस विधान को लेकर के, अद्वैत के सिद्धांत को लेकर के जीवन खपा दिया था, उसी को सवाल करने का सामर्थ्य इस महापुरुष ने दिखाया था। भाइयों बहनों, इस भारत मां के जीवन में बदलाव लाने के लिए उनका सपना था। नौजवानों को मांग कर रहे थे, वो कहते थे नौजवान मेरे साथ जुड़े, वो नौजवान को जोड़ने की कोशिश करते थे। वो कहते थे मुझे ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी 100 नौजवान दीजिए, मैं दुनिया बदल दूंगा। मित्र, आज विवेकानंद जी नहीं है इसलिए आज 100 से काम चलने वाला नहीं है, और इसलिए हम करोड़ों नौजवान देशवासी अगर संकल्प करें तो हम स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकते हैं, उनकी आशा आकांक्षाओं के लिए हम खरे उतर सकते हैं। समय की मांग है, हम अपने आप को तैयार करें। भाई बहनों, गुजरात सरकार ने इसे युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। अनेकविध कार्यक्रम होने वाले, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धाएं होने वाली है, अनेक समारोह होने वाले हैं, युवा चेतना शिविरें होने वाली हैं। साल भर भारत की इस महान आध्यात्मिक विरासत को विश्व को परिचित कराने का प्रयास हम इसी अवसर के माध्यम से करने वाले हैं। हम इंटरनेट का भी उपयोग करते हुए, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। हम सब मिलकर के इस काम को कर सकते हैं और हम इस दिशा में प्रयास करने वाले हैं। लेकिन जब हम युवा वर्ष मना रहे हैं तो हमारा स्पेशल फोकस है कौशल्य, स्किल। हमारे नौजवानों की एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़े, हमारा नौजवान देश की विकास यात्रा का भागीदार कैसे बने, उपदेशों से काम चलने वाला नहीं है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देकर के पूरे राज्य में विवेकानंद स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े करने वाले हैं, और हर नौजवान को कोई न कोई हुनर सीखने को मिले। और ये बात सही है मित्रों, ज्ञान की जरूरत होती है, ज्ञान आवश्यक भी होता है, लेकिन जिंदगी में हुनर की भी आवश्यकता होती है। एक बार स्वामी विनोबा जी के शिष्य धर्माधिकारी जी के जीवन की बड़ी मजेदार घटना है। धर्माधिकारी जी से मिलने के लिए एक नौजवान आया, नौकरी की तलाश में था। वो धर्माधिकारी जी को मिलता था, मिला वो कह रहा है कि मुझे कोई रोजी रोटी का प्रबंध कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई क्या आता है तुम्हें? वो कहता है मैं ग्रेजुएट हूं। धर्माधिकारी जी ने पूछा भाई ग्रेजुएट हो लेकिन तुम्हें आता क्या है? नहीं, बोले मैं ग्रेजुएट हूं। हां भाई तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हें टाइपिंग आता है क्या? वो कहता है मैं ग्रेजुएट हूं। अरे भाई तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हें खाना पकाना आता है क्या? अरे बोले मैं ग्रेजुएट हूं। वो हर बार अपना सर्टिफिकेट दिखाता रहता था और धर्माधिकारी जी पूछते थे कि तुम्हें कुछ आता भी है क्या? मित्र, दुनिया में कुछ आता है इसी सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और इस जवाब देने के लिए गुजरात के किसी नौजवान को अपनी आंखें नीची न करनी पड़े, अपना सर झुकाना न पड़े। मेरा गुजरात का हर नौजवान सीना तान करके, आंख में से आंख मिला करके जवाब दे सके हां मुझे आता है। हुनर आना चाहिए, कौशल्य होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम प्रयास करने वाले हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों, हम स्वामी विवेकानंद जी के 150 वर्ष मना रहे तब वो कौन सी ताकत है जो हमें आगे ले जा सकती है? वो कौन सा मंत्र है जो हम आगे लेकर के ले जा सकते हैं? भाइयों बहनों, इस पवित्र अवसर पर मेरे मन में जो विचार आते हैं उसका 2 मिनट में उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाहूंगा दोस्तों, अपने जीवन में इतने सारे नौजवान मित्र मेरे सामने खड़े हैं और आपके माध्यम से पूरे गुजरात के नौजवान एक एक शब्द सुनने पर लायक थे, तब मैं आपको कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों,
हम जीवन में तीन चीजों को मंत्र के रूप में स्वीकार कर लें, हम तीन चीजों को जीवन में अपने आराध्य मान लें, हम तीन चीजों के जीवन अपने आप को समर्पित करने का संकल्प कर लें, अपने आहूत करने का संकल्प कर लें, मेरे शब्द लिख करके रखिए मित्रों, आपके जीवन में विफलता का नामो निशान नहीं होगा, हर डगर सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। दोस्तों, हर डगर सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। और वो मंत्र है, जितना हो सके उतनी ज्यादा स्किल एक्वायर कीजिए, स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल है तो मित्र जिंदगी में कहीं कोई रुकने का अवसर नहीं आएगा। दूसरा, विल चाहिए। हम कहते तो है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, लेकिन पता नहीं है विल है कहां। हम मारुति कार के नीचे देखते हैं विल है कहां। विल भीतर होता है दोस्तों। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अगर कहते हैं स्किल चाहिए, विल चाहिए और मन में संकल्प होना चाहिए विन। स्किल हो, विल हो, विन हो, मित्रों दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। एक विजिंग इशू मेंटालिटी चाहिए, एक कॉन्करिंग मेंटालिटी चाहिए। और ये सारी लड़ाई मन की होती है। अगर आपके मन में वज्र जैसा सामर्थ्य है, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। दोस्तों, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। संकट आते हैं, तूफान आते हैं, जाते हैं दोस्तों, और इसलिए आवश्यकता होती है विजिंग इशू कॉन्करिंग मेंटालिटी की। और इसलिए आप यहां से जाए तो एक मंत्र लेके जाए, स्किल विल एंड विन। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।